टेम्परेचर जो होता है उसको हम लोग हिंदी में तो तापमान भी कहते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा कि डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस भी कहते हैं, ठंडा या गर्म, है ना। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी बॉडी का, बॉडी मतलब यहां शरीर नहीं हुआ, ऐसे जनरली तो बॉडी का वही मतलब होता है, शरीर, है ना। यहां पे शरीर नहीं हुआ, बॉडी का मतलब कोई भी चीज हो सकता है, आदमी या इंसान, किसी भी जानवर का शरीर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, उसी को हम यहाँ बॉडी कह रहे हैं। बॉडी का मतलब ये हुआ यहाँ पे कोई भी चीज। तो कोई भी चीज कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसको हम लोग जो मापते हैं वो टेम्परेचर कहलाता है ना। कितना ठंडा या कितना गर्म है कोई भी चीज वही उसका टेम्परेचर कहलाता है, और इसके भी मापने के अलग अलग यूनिट्स हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे टेम्परेचर, किसी भी चीज़ का टेम्परेचर के बारे में, यानी भी कोई भी बॉडी है, बॉडी मतलब कोई भी चीज़ हो सकता है, लिविंग या नॉन लिविंग। तो किसी भी बॉडी का हॉटनेस कितना है यानी उसकी गर्माहट कितनी है, या कोल्डनेस कितना है यानी कि ठंडापन कितना है, उस चीज़ को ही हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर को कैसे हम परिभाषित करते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, तो टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्विन कहते हैं। ठीक, नाम है, साइंटिस्ट का नाम था कैल्विन, और K से उसको डिनोट करते हैं। ऐसे इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि जो और भी अदर यूनिट्स जो होता है टेम्परेचर का, अदर यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, वो होता है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, उसको हम लोग पढ़ते हैं ऐसे ऐसे लिखते हैं, या फिर पढ़ेंगे क्या, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या फ़ारेनहाइट, है ना, फ़ारेनहाइट, ये भी यूनिट होता है टेम्परेचर का, और ऐसे SI यूनिट में केल्विन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में जो रिलेशन होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट हो या सेल्सियस हो या केल्विन हो, तो इसके बीच एक रिलेशन है जिसमें हम आराम से एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने जूनियर क्लास में पढ़ा भी होगा शायद, तो 9/5 C इक्वल्स टू F माइनस 32, ये जो है एक तरह से फॉर्मूला हो गया डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशन कैसे निकालेंगे, और डिग्री सेल्सियस और कैल्विन के बीच का जो हम रिलेशन निकालते हैं वो इस तरह से है, कैल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस, या इसी को अप्रॉक्स वैल्यू लिखें तो 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दो रिलेशन मैंने लिखा है, यानी कि डिग्री सेल्सियस और कैल्विन के बीच में ये रिलेशन होता है। एग्जैक्ट वैल्यू अगर देखें तो 273.15, इसी को अप्रॉक्स में यानी कि लगभग में अगर लिखेंगे तो 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर मान लेते हैं डिग्री सेल्सियस का वैल्यू मुझे दिया हुआ है और मुझे कैल्विन में निकालना है, तो डिग्री सेल्सियस का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और इसमें ये ऐड कर देंगे तो हमको कैल्विन का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये मतलब हुआ। अगर कैल्विन का वैल्यू दिया हुआ है और डिग्री सेल्सियस में निकालना है, कैल्विन का वैल्यू दिया हुआ है और डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैल्विन, और ये वाला वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कैल्विन माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, ये भी कह सकते हैं 273 वैल्यू, जैसे
डिग्री सेल्सियस अगर मुझे निकालना है तो जो केल्विन का वैल्यू दिया रहेगा वो -273.15, या इसी को केल्विन -273 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सब रिलेशंस है टेम्परेचर के अलग अलग यूनिट्स के बीच में, है ना। इसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स इसका एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लें कि कोई बॉडी है या कोई सब्सटेंस है, कोई बॉडी है और उसका टेम्परेचर दिया हुआ है, सपोज कि 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी मान लेते हैं ये सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे इसका टेम्परेचर निकालना है केल्विन में। कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला। ठीक है, केल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो 273.15 और प्लस डिग्री सेल्सियस यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो ये लिख दिया मैंने 40 डिग्री सेल्सियस, ऐड कर देंगे तो 3.15, 40 का मतलब 40.00। ठीक है, तो इतना डिग्री केल्विन भी लिखते हैं या सिर्फ केल्विन भी लिखते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिखते हैं, 0.15 जनरली नहीं भी लिखते हैं, अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, अप्रॉक्स में लिखना है तो 273 प्लस 40 तो हो जाएगा 313 केल्विन। ठीक है, इस तरह से हम लोग अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो केल्विन कितना निकला, ये या फिर ये, समझ गए, ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अगर मान लेते हैं कोई सब्सटेंस है, कोई बॉडी है यहाँ पे और उसका केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, सपोज़ कि इसका जो है वो 273.15 इतना केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है और मुझे डिग्री सेल्सियस में निकालना है। तो डिग्री सेल्सियस में अगर मुझे इसका टेम्परेचर चाहिए तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, वहाँ पे लिखा हुआ वैल्यू के -273.15, तो के का केल्विन वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 273.15 -273.15, है ना, यानी कि 0, तो 0 डिग्री सेल्सियस, इतना केल्विन टेम्परेचर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस हुआ। ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस है और उसका टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस तो हम केल्विन में कैसे बदलेंगे। तो कोई सब्सटेंस अगर है और उसका मुझे केल्विन में जैसे बदलना है तो केल्विन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, केल्विन टेम्परेचर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ये, है ना। अगर मैं अप्रॉक्स में ले लूँ, ये ले लेता हूँ अप्रॉक्स वैल्यू, तो 273 प्लस 273 प्लस डिग्री सेल्सियस में जो दिया हुआ है वो यानी 0 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, केल्विन मुझे निकाला है ना, और डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ था, है ना, और मुझे केल्विन चाहिए था, तो ठीक है, तो 273 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, और अगर इतना केल्विन दिया है यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो केल्विन में निकाल सकते हैं, केल्विन में दिया होगा तो डिग्री सेल्सियस में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कोई बॉडी है और उसका 25 डिग्री सेल्सियस है तो इसको अगर केल्विन में निकालेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू, तो 273 प्लस 25 डिग्री तो हो जाएगा 298 केल्विन, है ना। तो ये जो होता है वो रूम टेम्परेचर कहलाता है। रूम टेम्परेचर का मतलब नॉर्मल कंडीशंस पे जो टेम्परेचर रहता है उसको हम लोग रूम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्स वैल्यू ये लिखते हैं हम लोग, ठीक है, 298 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये बात हो गई इस पे डिग्री सेल्सियस और केल्विन पे। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर तो वो हम निकाल सकते हैं। तो जैसे कोई बॉडी है और अगर उसका टेम्परेचर सपोज करते हैं कि
सेल्सियस में दिया हुआ है, ठीक है, सेल्सियस में उसका टेम्परेचर दिया हुआ है और मुझे फ़ारेनहाइट में चाहिए, है ना। जैसे मान लेते हैं अभी जैसे हम लोग निकाल रहे थे, कोई बॉडी है, कोई सब्सटेंस हो गया ये, और कोई सब्सटेंस हो गया और इसमें इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मुझे इसको फ़ारेनहाइट में निकालना है, कैसे मैं निकालूँगा, तो मुझे अगर इसको फ़ारेनहाइट में निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, 9/5C = F − 32, ठीक। तो F अगर निकालना है तो −32 इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो F = 9/5C + 32। तो 9/5 और C, C यानी डिग्री सेल्सियस, वो है 25 + 32, है ना। तो इसको पहले इंटू करेंगे, ये सिंपल एलजेब्रा आप लोग जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इंटू कर दिए, काट दिए ये, तो 5 हो गया, 9/5 = 45 और +32, तो 7, 7, तो इतना फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो गया। इतना फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं या इतना डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अगर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट कैसे निकला, समझ गए। अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो हम डिग्री सेल्सियस भी आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज़ जैसे यहाँ पर है, मान लेते हैं कि 100 कोई सब्सटेंस है और उसका 100 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है टेम्परेचर, ठीक है। और तो ये केल्विन सेल्स, मतलब ये जो सेल्सियस है उसमें कितना आएगा, इसको अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकलेगा। तो फिर से हम लोग इस फॉर्मूला पे जा सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला 9/5C = F − 32, तो 9/5C = F − 32, ये फॉर्मूला है हमारा, मुझे निकालना है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 5 इस पूरे से इनटू हो जाएगा और डिवाइड 9 हो जाएगा, तो यानी कि 5 ऊपर चला गया, 9 नीचे हो गया और इस पूरे से हुआ, तो F − 32 लिख सकते हैं इतना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर 5/9 × F का वैल्यू पता है हमें 100 और उसमें 32 माइनस कर दिए, तो F/9 × 100 में से 32 माइनस कर देंगे तो ये होगा, और फिर इसको हम अपना सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आएगा वैल्यू वो आंसर हो जाएगा। तो अगर 9 से मैं इसको काट दूँ तो 5 × काटने पर क्या आएगा, 9/7 = 63, कैरी 5 बच गया, पॉइंट दे दिए तो 50 हो गया, है ना। 9/5 = 45, फिर 5 बच गया, फिर 50, फिर 9/5 = 45, इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अप्रॉक्स वैल्यू अगर निकालेंगे तो 5/5 = 25, कैरी 2, इतना डिग्री सेल्सियस आएगा ना। कोई भी नंबर को हम काट सकते हैं आसानी से, कंप्लीटली नहीं कटेगा तो डेसिमल में आएगा, है ना। तो कटने के लिए सब नंबर एक दूसरे से कटता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो फॉर्मूला यूज़ करके सिंपल एलजेब्रा लगाएंगे तो हमें आराम से डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा, और अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है तो हम उसे आराम से फ़ारेनहाइट में निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है, अगर कोई सब्सटेंस है और उसका टेम्परेचर हम डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में देखना चाह रहे हैं, और एक क्वेश्चन है मेरे पास ये कि किस टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, किस टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज इक्वल,
किस टेम्परेचर पे सेल्सियस का वैल्यू और डिग्री फ़ारेनहाइट का वैल्यू, ये दोनों इक्वल होगा किस टेम्परेचर पे, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मान लेते हैं कि वो टेम्परेचर x है। ठीक है, तो लेट दी टेम्परेचर, लेट दी टेम्परेचर बी x। ठीक है, तो जो रिलेशन हम लोग ने पढ़ा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, वो क्या पढ़ा है, तो 9/5c इक्वल्स टू एफ माइनस 32, ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि डिग्री सेल्सियस में जितना टेम्परेचर है उतना ही फ़ारेनहाइट में भी है ना। यहाँ पे क्वेश्चन तो वही है, इक्वल है, इक्वल मतलब बराबर, यानी कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दोनों बराबर है। ठीक है, इक्वल है, तो उसको मैंने उस टेम्परेचर को एक्स मान लिया, तो यहाँ पे 9/5 सेल्सियस की जगह पे एक्स लिख सकता हूँ, फ़ारेनहाइट है तो फ़ारेनहाइट की जगह पे भी एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर बोला गया है ना, तो उसको मैंने एक्स मान लिया था, और ये माइनस 32 कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो 32 को इधर ले आते हैं, 32 जब इधर आ जाएगा तो प्लस 32 हो जाएगा, और इधर पे x है पहले से, इसको इस तरफ ले गए तो माइनस हो जाएगा, माइनस 9x/5 होगा ना, 9x/5 इधर गया तो माइनस हो गया, और ये इधर आया तो प्लस 32 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे LCM, तो ये 5, ये हो जाएगा 5x-9x, और इधर हो गया 32। ठीक है, तो 32 इज इक्वल टू ये हो गया माइनस 4x/5, सही है। तो अब अगर मैं यहाँ से x का वैल्यू निकालूं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 ऊपर और माइनस 4 नीचे हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 32 × 5 डिवाइडेड बाय माइनस 4। ठीक है, तो 4 × 1 = 4, 8 है ना, 8 × 5 = 40, और जो माइनस है वो माइनस, तो माइनस 40 डिग्री ये वैल्यू होगा, यानी कि माइनस 40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का जो हॉटनेस है वो सेम होता है। ठीक है, सिंपल है ना, समझे ये बात। मुझसे पूछा गया था कि किस टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दोनों बराबर है। ठीक है, ये बात हुई थी, दोनों बराबर है, तो उस टेम्परेचर को मैंने एक्स मान लिया, सिंपली इस फॉर्मूला पे पुट किया। ये फॉर्मूला हम लोग फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के रिलेशन का फॉर्मूला जानते ही हैं। ठीक है, तो आराम से हम लोगों ने क्या किया कि एक्स माना हुआ था, इस दोनों जगह पे एक्स पुट किया, उसके बाद तो सिंपल एलजेब्रा है, एक्स का वैल्यू निकाले, तो हम लोगों ने क्या देखा कि माइनस 40 डिग्री आ रहा है वैल्यू। ठीक है, यानी कि माइनस 40 डिग्री वो टेम्परेचर का वैल्यू है जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दोनों ही सेम आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने टेम्परेचर पे बात की। ठीक है, तो आज के क्लास में जो हम लोग बात कर रहे थे, दो वीडियोस में हम लोगों ने बात किया है आज के क्लास को, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर, उसमें हम लोगों ने बात की कि क्या बेस यूनिट्स होता है, तो 7 तरह का बेस यूनिट्स हम लोग समझे। ठीक है, और उन 7 तरह के बेस यूनिट्स का SI यूनिट में क्या लिखते हैं वो भी हम लोग ने समझा। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, टेम्परेचर, टाइम, लेंथ, मास, ठीक है, करंट, ये सारी बातें हम लोगों ने समझी है। तो वो बेस यूनिट्स क्या होता है वो हम लोगों ने देखा, SI यूनिट्स क्या होता है, और फिर उसके बाद जो मेन जो कॉमनली यूज होगा वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, तो उसका जो अलग अलग यूनिट्स है, जैसे प्रेशर था, प्रेशर के बारे में हम लोगों ने समझा कि क्या होता है, और फिर उसका डिफरेंट यूनिट्स एटमॉस्फेयर, बार, टॉर, ये सारी बातें, MMHg, CMHg, उन सब का रिलेशन हम लोगों ने देखा। फिर वॉल्यूम, अलग अलग वॉल्यूम का जो यूनिट्स है, लीटर, मीटर क्यूब, है ना, सेंटीमीटर क्यूब, तो उस पर क्या रिलेशन है एक दूसरे के साथ वो भी हम लोगों ने देखा, और अभी लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में समझा कि टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, और
फिर उसका जो एसआई यूनिट है केल्विन, और बाकी जो अदर यूनिट्स है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, और उनके बीच में रिलेशन क्या है, ये इस पर भी हम लोग ने बात की कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में ये रिलेशन है और केल्विन और सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन है, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने कैसे उसको एक दूसरे को कन्वर्ट भी करना सीखा विद क्वेश्चंस, कि अगर इतना वैल्यू किसी डिग्री सेल्सियस में दिया है तो केल्विन में कैसे निकालेंगे, अगर केल्विन में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने इन सारी बातों पे डिस्कशन किया है। अगले क्लास में फिर हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।